वो बहन है और भाई ने बिल्कुल निर्णय लिया है कि उनको नागरिकता दिलवा के रहेंगे और पूरा भाई बहन का रिश्ता है जो पवित्र है। हमारे देश माई भारत देश माई है, दूसरे देश से भारत देश माई है, तो हमारे देश में प्रेम करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। सारे त्यौहार मना रही हैं, रक्षाबंधन करी, नाग पंचमी मनाई है, हरियाली तीज मनाई है, सभी पर्व मना रही हैं और बहुत अच्छे से मना रही हैं और हमें बहुत बढ़िया लगता है। दोस्तों, सीमा और सचिन के मकान में इस वक्त मौजूद हैं और जो वकील साहब एपी सिंह यहाँ पहुँचे हैं एक बहन को राखी बांधने के लिए, दूसरी बहन यहाँ साथ आई है राखी बंधवाने के लिए सीमा को। आप साथ में आई हैं वकील साहब की, कौन लगती हैं? जी, मैं बहन हूँ और सीमा भी हमारी बहन ही है और भैया भी साथ में आए हैं राखी बांधने के लिए, गीता चौहान जी। वो भी इस तरह से आप यहाँ पहुँचे हैं अपने भाई को साथ लेने लेकर जो है, तो सीमा भी आपके घर की सदस्य हो गई? जी बिल्कुल, वो बहन है और भाई ने बिल्कुल निर्णय लिया है कि उनको नागरिकता दिलवा के रहेंगे और पूरा भाई बहन का रिश्ता है जो पवित्र है और आज राखी बंधवाने इसीलिए वो आए हैं और उन्होंने बुलाया था सीमा ने, और हमारी छोटी बहन की तरह है और मम्मी भी यहीं साथ में है और मम्मी ने उसमें कह रहे हैं वकील साहब की कितनी जल्दी जो है नागरिकता मिल जाएगी, कितना टाइम लग सकता है? अब प्रोसेस में चल रहा है, जैसे जैसे वैसे वो तो कानूनी प्रक्रिया है, वो अपने साथ हैं सीमा और सचिन को और पूरे समझ लीजिए लगभग देश को ही कि सीमा को नागरिकता मिल जाए, तो उन उम्मीदों पर कितना खरे उतर सकते हैं? बिल्कुल अब मिलेगा, अब मोदी और योगी सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है, वो पूरी अच्छे तरह से तरीके से जो भी सीमा से आपकी बातचीत हुई? बिल्कुल सीमा से बात होती है। आदत कैसी लगी आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। सारे त्यौहार मना रही हैं, रक्षाबंधन करी, नाग पंचमी मनाई है, हरियाली तीज मनाई है, सभी पर्व मना रही हैं और बहुत अच्छे से मना रही हैं और हमें बहुत बढ़िया लगता है और हिंदुस्तान में ही रहें। सीमा से पूरा परिवार ही लगभग मिल लिया होगा? बिल्कुल, सभी मिले हुए हैं, बिल्कुल। मम्मी जी भी यहाँ पर? हाँ, परिवार की जैसी है वो बिल्कुल। और मम्मी जी कहाँ गई? मम्मी उधर है, मम्मी जी यहीं पर बैठी हुई हैं। आ जाओ थोड़ा सा, ये देखो वकील साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं और जो मम्मी हैं वकील साहब की वो यहाँ पर बैठी हैं अपने बेटे के साथ और बेटी के भी साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं। एक और जो है बेटी आपको मिल गई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसी कौन सी आदत आपको अच्छी लगी सीमा की कि तमाम जो परिवार है वो सब जो यहाँ पहुँच? अरे, हमारे देश माई भारत देश माई है, दूसरे देश से भारत देश माई है, तो हमारे देश में प्रेम करना चाहिए। अगर कोई जासूसी नहीं है तो उसे, जैसे रावण के पास राम के पास रावण का भाई विभीषण गया था, अगर वो गलत नहीं है तो उसे शरणागति रखना चाहिए, शरण में ले लेना चाहिए। क्योंकि कारण ये है ना कि जब राम ने, सब ने कहा था कि सब लोगों ने कि वो राम रावण आएगा शरणागति तो आप क्या दोगे इसको, हैं? तो राम ने कहा था, इतने राम उदार थे, तो उन्होंने कहा अगर राम रावण मेरी शरणागति आ गया तो मैं विभीषण को अयोध्या का राज दे दूंगा, मैं अगर लंका का राज नहीं दूंगा तो मैं राम को अयोध्या का राज दे दूंगा। तो इसीलिए वो सब हमारा है, हम आपके हैं सब, ये हमारा तुम्हारा यहाँ पर छोड़ दीजिए, ना कोई हमारा है ना कोई तुम्हारा है, एक दिन चले जाएंगे, अकेले ही जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आप पहुँचे हैं। कोई बुराई अगर करता है तो उसका बुरा होगा, और हम किसी की भलाई, हम आपकी भलाई करेंगे तो हमारा भला आप सोचोगे, और हम किसी की बुराई नहीं करेंगे तो हमारा भला होगा और वो बुराई करने वाले का बुरा होता है। बेटी से पहली बार मिल रहे हैं? पहले मिल गए? मैं नहीं मिला, पहले मिल पाए नहीं। सही है, अपने क्या है, जब जासूसी नहीं, कोई अगर सही है चलता है इसकी चेक कर लो, जाँच कर लो, और क्या, जो शरण में आया है तो शरण, हमारे भारत देश में आया है तो उसे शरण में ले लो, शरण में आया है तो शरण में ले लो, अगर गलत हो तो सजा दो, अगर गलत हो तो सजा दो, अगर गलत होती अब तक तो सामने आ गया होता। हाँ, आ गया होता, अब नहीं आया तो नहीं, उसे रहने दो, इन्होंने इनकी गलती नहीं है, इनको दोनों लोगों ने इतना बवाल नहीं समझा था कि हम इससे जाएंगे तो इतना बवाल होगा, दोनों ने नहीं समझा, अपने पबजी खेल के चले आए, जाकर जो है उधर, हाँ वो खेलने में चले पबजी में, बस बस बस, तो गलती नहीं समझी कि इतना बवाल मचेगा, अगर इतना बवाल मचते तो ना सचिन ही बुलाता ना सीमा ही आती। हाँ, ऐसा किसी घर में कौन घुस जाएगा, बोलो पहले, बिना बुलाए कोई आएगा? हम आपको बुलाएंगे तभी तो आप आओगे, ऐसे कैसे चले आओगे, किसी कोई घुसने नहीं देगा, कोई घुसने नहीं देगा, इसीलिए सब प्रेम से रहो, सुमति से, जहाँ सुमति संपत्ति नाना, जहाँ कुमति विपत्ति
मत निदाना, सुमत से रहो संपत्ति आएगी। अगर गुमती कौटौकती विपत्ति आएगी। ये लड़ाई की झगड़ा की है, ये लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि आदमी का क्षणिक जीवन है, जीवन ज्यादा नहीं होता है, इसे क्षणिक आनंद में आदमी है इंसान को। आज बेटी बेटी को आपने देख लिया, बेटी अच्छी प्रेम से रहना चाहिए, हर एक प्रेम होना चाहिए और कुछ नहीं है। प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं है। अगर प्रेम है तो सार जगत में है। और कोई बुराई करता है, कोई भी हो बुराई करेगा करता रहे, करने दो, हाथी चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि हाथी चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो आपको हमने मिलाया वकील साहब की जो सिस्टर हैं उनसे भी और माता जी से भी।